अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, क्या बेनमाजी को जनाजे की नमाज़ पढ़ सकते हैं कि नहीं? तो जो बंदा कभी कभी जुमा पढ़ता है, कभी कभी जुमा पढ़ता है, पाबंदी से भी नहीं पढ़ता, कभी मन कर लिया पढ़ लिया, कभी मन कर लिया नहीं पढ़ा, बाकी नमाजें तो बातें कुछ और है, तो इससे ऐसे आदमी की क्या जनाजे की नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं? ये एक भाई साहब है, इनका सवाल ये है कि बेनमाजी की नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं या नहीं। जो आदमी सिर्फ जुमा जुमा पढ़ता है, बाकी नमाज़ें नहीं पढ़ता, तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ सकते कि नहीं? तो देखें, इसके बारे में अहले इल्म का इख्तलाफ है। बाज़ अहले इल्म, जिनमें जलील क़द्र अइमा शामिल हैं, बहुत बड़े बड़े मुहद्दिसीन शामिल हैं, उनका कहना ये है कि जो बेनमाजी है वो काफिर है, मुर्तद है, उसकी नमाज जनाजा पढ़ना तो दूर की बात है, उसे मुसलमानों की कब्रिस्तान में दफन तक नहीं किया जाएगा। तो ये फतवा है, ख़ास तौर से मजहब हम्बली के उलमा का ये फतवा होता है कि बेनमाजी काफिर है और उसकी जनाजा तो दूर की बात है, उसे तो मुसलमान कब्रिस्तान में दफन तक नहीं करेंगे। ये लेकिन दूसरी तरफ कुछ अहले इल्म जो कहते हैं कि नहीं, बेनमाजी काफिर नहीं है, जैसे शेख अल्बानी रहमतुल्लाह है, उनकी बाकायदा एक किताब है हुक्म तारीख सलत, जिसमें शेख ने ये साबित किया है कि बेनमाजी यकीन बहुत गुनहगार शख्स है, लेकिन बहरहाल वो काफिर नहीं है। और यही बात सही मालूम होती है कि बेनमाजी काफिर नहीं है, इसलिए बेनमाजी शख्स अगर मर गया तो चूंकि है मुसलमान वो, इसलिए उसकी नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं। अलबत्ता अगर किसी इलाके का कोई बड़ा आदमी, मतलब कोई नेक आदमी, कोई जिम्मेदार, कोई आलिम, अगर वो बायकाट करे इस बुनियाद पर कि वो बेनमाजी था, नाराज़गी जाहिर करने के लिए ताकि लोगों को सबक मिले, और वो बायकाट करे कि मैं इसकी जनाजा नहीं पढ़ूंगा, तो ऐसा वो कर सकता है। लेकिन तभी जब उसे पता हो कि उसके बायकाट का कोई असर मरतब होगा, वरना अगर किसी को पता हो कि मैं जनाजा नहीं पढ़ूंगा तो किसी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, तो ऐसा आदमी बायकाट वाली राह ना पैदा करे। कोई ऐसा शख्स जो बहुत बाइज्जत है, आलिम है, लोगों के लिए मर्जे का दर्जा रखता है, लोग उसके पास उठते बैठते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं, तो ऐसा शख्स अगर चाहे कि मैं बायकाट करूं ताकि लोगों को एहसास हो कि नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमारा भी ये हाल होगा, तो वो शख्स बायकाट कर सकता है, वो शख्स उसकी जनाजे से अपने आप को दूर रख सकता है, लेकिन बहरहाल उसकी जनाजा पड़ी जाएगी। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई जनाजा नहीं पड़े। तो खुलासा ये कि बेनमाजी काफिर नहीं होता, इसलिए उसकी जनाजा पढ़ेंगे, उसके लिए दुआ भी करेंगे। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें, iPlus TV को जरूर डोनेट करें।